प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक्स वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत उत्पत्ति हास नियम के बारे में विस्तार से जानेंगे। उत्पत्ति हास नियम के अंतर्गत हम निम्नलिखित बातों का अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति हास नियम क्या होता है, उत्पत्ति हास नियम की परिभाषा तथा उसकी व्याख्या, उत्पत्ति हास नियम की कार्यशीलता को रेखाचित्र द्वारा व्याख्या तथा उत्पत्ति हास नियम की कार्यशीलता के क्या कारण हैं? उत्पत्ति हास नियम किसे कहते हैं? उत्पत्ति हास नियम का सर्वप्रथम उल्लेख सन 1815 ईस्वी में सर एडवर्ड वेस्ट द्वारा अपने एक लेख में किया गया था। उसके बाद इस नियम की स्पष्ट व्याख्या प्रोफेसर एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस तथा मार्शल ने की। आधुनिक अर्थशास्त्री उत्पत्ति हास नियम को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि उत्पादन के किसी एक या अधिक साधनों की मात्रा को स्थिर रखते हुए अन्य साधनों को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो एक बिंदु के बाद परिवर्तनशील साधनों की प्रत्येक अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त होने वाला उत्पादन घटने लगता है। उत्पत्ति हास नियम की परिभाषा तथा व्याख्या। अनेक अर्थशास्त्रियों ने उत्पत्ति हास नियम की व्याख्या दी है, जिसमें प्रोफेसर बेनम की परिभाषा सर्वश्रेष्ठ है। उनके अनुसार उत्पादन के साधनों के संयोग में एक साधन के अनुपात में जो जो वृद्धि की जाती है तो एक सीमा के पश्चात उस साधन का सीमांत तथा औसत उत्पादन घटता जाता है। उत्पत्ति हास नियम की व्याख्या। यह नियम तीन आर्थिक अवधारणाओं पर आधारित है, कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद। कुल उत्पाद परिवर्तनशील साधनों की निश्चित इकाई के प्रयोग से होने वाले उत्पादन को कुल उत्पाद कहते हैं। औसत उत्पाद कुल उत्पादन को परिवर्तनशील साधन की कुल इकाइयों से भाग देने से प्राप्त होता है, उसे औसत उत्पादन कहते हैं। सीमांत उत्पाद परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से प्राप्त उत्पादन को सीमांत उत्पाद कहते हैं। इस नियम के अनुसार भूमि और पूंजी को स्थिर साधन और श्रम को गतिशील साधन माना गया है। श्रम की उत्तरोत्तर इकाइयों से प्राप्त उत्पादन की तीन अवस्थाएं प्रथम, द्वितीय, तृतीय होंगी। उत्पत्ति हास नियम कार्यशीलता की रेखाचित्र द्वारा व्याख्या। अभी तक आपने उत्पत्ति हास नियम के बारे में विस्तार से जाना, अब आप उत्पत्ति हास नियम की कार्यशीलता के बारे में अध्ययन करेंगे कि यह किस प्रकार कार्य करता है। इसके लिए हमें एक तालिका की और एक रेखाचित्र की आवश्यकता होगी। तालिका को बनाने के लिए हमें स्थिर साधनों में भूमि और पूंजी को लेंगे, जिसमें हमने भूमि को स्थिर साधन माना है। परिवर्तनशील साधन में हम श्रम को लेंगे, जिसमें हमने लगातार वृद्धि करी है। स्थिर साधन तथा परिवर्तनशील साधन के प्रयोग से कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम परिवर्तनशील साधन श्रम की प्रथम एक इकाई को लेते हैं तो कुल उत्पादन में 4% की वृद्धि होगी, जिसको हमने यहाँ पर रेखाचित्र में इस बिंदु पर प्रदर्शित किया है। ओ एक्सिस को हम परिवर्तनशील साधन की मात्रा के रूप में दर्शाएंगे और ओ वाई को उत्पादन में। इसके बाद परिवर्तनशील साधन की हमने दूसरी इकाई का प्रयोग किया तो हमारा उत्पादन 9% बढ़ा, जिसे रेखाचित्र में आप देख रहे हैं। फिर हम इन दो बिंदुओं को एक साथ जोड़ देंगे, तीन इकाई से 18% उत्पादन, चौथी इकाई से 20, पांचवी इकाई से 22, छठी इकाई से 22 और सातवीं इकाई से उत्पादन 20 हुआ। इन रेखाओं को जोड़ने से हमें कुल उत्पाद रेखा
की प्राप्ति होगी, इसको हम हरे रंग से हमने इसमें दर्शाया है, जिसको हम पीपी भी कहते हैं। अब हमें औसत उत्पाद निकालना है। औसत उत्पाद कुल उत्पादन को परिवर्तनशील साधन की कुल इकाइयों से भाग देने से प्राप्त होगा। एक से हम चार को भाग करेंगे तो हमारा चार आएगा, जिसको हम फिर वही उसी बिंदु से प्रदर्शित करेंगे। दो को नौ से भाग देने पे हमें 4.5 प्राप्त होगा, इसको हम यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार एक एक करके हम सभी बिंदुओं को बनाने के बाद में रेखा खींचेंगे और इस रेखा को हम औसत रेखा कहेंगे, जिसको हमने नीले रंग से प्रदर्शित किया है। दोनों रेखा बनाने के बाद सीमांत उत्पाद हम निकालेंगे। परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से प्राप्त उत्पादन को सीमांत उत्पाद कहते हैं। तो ये चार आएगा प्रारंभ में, फिर उसी बिंदु पे जहां पे दोनों रेखा आरंभ हुई थी वहीं से ये रेखा भी आरंभ होगी। उसके बाद पांच आएगा। पांच कैसा आया? नौ में से चार को घटाने से हमें पांच प्राप्त होगा प्रतिशत। इसी प्रकार नौ, फिर दो, फिर दो, फिर शून्य और फिर माइनस दो। माइनस दो क्यों आया? क्योंकि 22 संख्या 20 से अधिक बड़ी है। इन रेखाओं को आपस में जोड़ने से हमें सीमांत रेखा प्राप्त होगी, जिसे हमने लाल रंग से दिखाया है, जिसको हम एमपी बोलेंगे। पहली अवस्था उत्पत्ति हास नियम की कार्यशीलता में तीन अवस्थाएं होती है। प्रथम अवस्था वृद्धि दर होगी, जिसमें उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। दूसरी अवस्था वो यहां से यहां तक आएगी, जिसमें उत्पादन में वृद्धि ना तो घटेगी और ना बढ़ेगी, समता वृद्धि दर होगी। और लास्ट हमारी तृतीय अवस्था जो यहां पर आएगी, जिसमें उत्पादन ऋणात्मक होगा। अब हम इन तीनों अवस्थाओं को विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी तक आपने तालिका और रेखाचित्र के माध्यम से उत्पत्ति हास नियम की कार्यशीलता का अध्ययन किया। उत्पत्ति हास नियम कार्यशीलता में तीन अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। तो हम सबसे पहले प्रथम अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। यह नियम के अनुसार प्रारंभ में जब परिवर्तनशील साधन अर्थात संघ की इकाइयों में वृद्धि की जाती है, तो अन्य स्थिर साधनों का अधिक अच्छा प्रयोग होने से कुल उत्पादन में तीव्र वृद्धि होती है। इस प्रकार इस अवस्था में कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलती है। इस अवस्था को बढ़ते हुए उत्पादन की अवस्था भी कहते हैं। जैसे तालिका और रेखा चित्र में आप देख रहे हैं, ये आरंभ में जब हमने स्थिर साधन में परिवर्तनशील साधन श्रम की मात्रा को बढ़ाया तो हमारा कुल उत्पादन में वृद्धि हुई। चार थी, फिर नौ, फिर 18। इसी प्रकार औसत उत्पादन में भी वृद्धि देखने को मिल रही है और सीमांत उत्पादन में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। इसलिए हम एक से लेकर तीन इकाई तक इसे हम प्रथम अवस्था कहेंगे, जिसमें हमारा उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रेखा चित्र के अनुसार आप यहां देखिए, ये देखिए यहां तक कुल उत्पादन में वृद्धि हो रही है, सीमांत उत्पादन में वृद्धि हो रही है और औसत उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है। अर्थात जब तीनों में वृद्धि होती है तो उसे हम प्रथम अवस्था कहते हैं। द्वितीय अवस्था, यह अवस्था उत्पत्ति वृद्धि नियम तथा उत्पत्ति हास नियम के बीच की अवस्था में लागू होता है। इस अवस्था में
उत्पत्ति के साधनों की अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि होती है। इसे उत्पत्ति समता नियम भी कहते हैं। आपने देखा कि भूमि स्थिर साधन है, भूमि और पूंजी, और श्रमिक हमारा परिवर्तनशील साधन है जिसको हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, और भूमि और पूंजी को हमने स्थिर रखा हुआ है। प्रारंभ में उत्पादन में वृद्धि लगातार हो रही थी, अब परिवर्तनशील साधन की और अधिक इकाइयों का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में लगातार कमी आ रही है। जैसे चार साधन हमने परिवर्तनशील साधन के प्रयोग करे तो उत्पादन केवल 20% बढ़ा, इसी प्रकार 5 में 22 और 6 में 22। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे उत्पादन में वृद्धि रुक गई है। इसी प्रकार औसत उत्पादन में भी लगातार गिरावट आ रही है, 6 के बाद 5, फिर 4.5, फिर 3.6। इसी प्रकार सीमांत उत्पादन में भी लगातार कमी देखने को मिल रही है, और सीमांत उत्पादन छठी इकाई में शून्य हो गया है। इसे हम द्वितीय अवस्था बोलेंगे, जो आपको रेखा चित्र में यहाँ दिखाई दे रही है। ये प्रथम अवस्था के बाद दूसरी अवस्था आ गई है। इस अवस्था में कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन तीनों में कमी देखने को मिलती है। कुल उत्पादन में वृद्धि तो हो रही है लेकिन घटती हुई दर से हो रही है, और एक बिंदु के आने के बाद स्थिर हो गई है। इसी प्रकार औसत रेखा भी ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रही है, और सीमांत रेखा में अधिक तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। ये यहां से घटती हुई शून्य, छठी इकाई पे शून्य में आ गई है। तो इस प्रकार द्वितीय अवस्था को हम उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंतर्गत उत्पत्ति समता नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें उत्पादन में वृद्धि अधिक देखने को नहीं मिलती। तृतीय अवस्था, इस अवस्था में उत्पादन घटती दर से होने लगता है, परिवर्तनशील साधन के बढ़ने से कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन तीनों घटने लगते हैं, जिसमें सीमांत उत्पादन बड़ी तेजी से घटने लगता है। इसे अवस्था को उत्पत्ति हास नियम कहते हैं। आपने देखा होगा इससे पूर्व तालिका में कि हम स्थिर साधनों और परिवर्तन साधनों का उपयोग कर रहे थे, जिसमें स्थिर साधन भूमि और पूंजी स्थिर है, और परिवर्तनशील साधन श्रमिक हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो छठी इकाई के बाद जब हम सातवीं इकाई का उपयोग करते हैं, उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ रहा है, 22 के बाद उत्पादन 20 पे आ गया है, और औसत उत्पादन 3.6 के बाद 2.8 पे आ गया है, और सीमांत उत्पादन 0 के बाद -2 पे आ गया है। इसे हम बोलेंगे तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था को हम रेखा चित्र से समझ सकते हैं, जिसमें उत्पादन हमारा ऋणात्मक हो जाता है, जिसमें कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन तीनों में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलती, बल्कि उत्पादन घटती दर से होता है। इसमें आप देख रहे हैं कुल उत्पाद रेखा नीचे की ओर आते हुए, इसी प्रकार औसत रेखा भी नीचे को आ रही है, और सीमांत रेखा ऋणात्मक हो गई एकदम नीचे को। तो आखिरी वाली अवस्था को हम उत्पत्ति हास नियम की कार्यशीलता कहते हैं। उत्पत्ति हास नियम के कार्यशीलता के कारण इस प्रकार है। एक अथवा कुछ साधनों का स्थिर होना, जब एक अथवा कुछ साधनों को स्थिर रखा जाता है और शेष साधनों को परिवर्तनशील रखा जाता है, तो परिवर्तनशील साधनों की पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता और अनुकूलतम संयोग भंग हो जाता है, जिसके कारण उत्पादन क्षमता का ह्रास हो जाता है। उत्पत्ति के साधन एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न नहीं होते। उत्पादन के एक साधनों को किसी दूसरे साधन के स्थान पर एक सीमा तक ही प्रयोग किया जा सकता है।
हमारे मन में बार बार यह विचार आता है कि उत्पत्ति हास नियम की कार्यशीलता को क्या स्थगित किया जा सकता है। मानवीय तथा नई वैज्ञानिक तकनीकी प्रयासों से इस नियम की कार्यशीलता को कुछ समय के लिए स्थगित अवश्य किया जा सकता है, परंतु एक सीमा के बाद यह नियम अवश्य ही क्रियाशील होगा।